अस्सलाम वालेकुम. दिस वीडियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर यूथ, स्पेशली फॉर गर्ल्स. मेरे पास बहुत से ऐसी गर्ल्स आती हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करती हैं, और जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो क्या पता चलता है कि इट्स ऑल अबाउट देयर माइंडसेट एंड दैट नेगेटिविटी. जिस नेगेटिविटी की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, या वो लड़की आगे नहीं बढ़ पा रही. इवन लड़कों के साथ भी ये मसला हो सकता है. हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि हम एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव माशरे में रहते हैं. हमारे हर तरफ नेगेटिविटी है. हम किसी भी चीज़ का नेगेटिव पहलू पहले सोचते हैं और पॉजिटिव की तरफ फिर हम जा ही नहीं पाते. यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत रूल शेयर करना चाहूँगी कि आप जैसा गुमा करेंगे आपके साथ वैसा ही होगा. अगर ये बात कुरान पाक में कही गई है तो ये इम्प्लीमेंटेशन के साथ अप्लाई आपकी लाइफ पर आती है. कोई भी ऐसी चीज़ है, कुरान पाक की सबसे बड़ी और ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ये है कि आप किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं जब, या किसी भी चीज़ का गुमा बनाते हैं, तो आप उस प्रोसेस से गुजारे जाएंगे. कुरान पाक की और इस्लाम की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, वो यही है कि मैंने कुरान पाक को और इस्लाम को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ देखा है. इस्लाम बहुत प्रैक्टिकल मज़हब है. आप कोई भी गुमा तक बनाएंगे, आपको उस प्रोसेस से गुजारा जाएगा आपके गुमा को सही या गलत साबित करने के लिए. तो आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जा नहीं पाते. हमें पॉजिटिव होना है. मेरे पास बहुत सी ऐसी लड़कियां अपने प्रॉब्लम्स लेके आती हैं और हम सिर्फ उनके माइंडसेट पे बात करते हैं. अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक काम करना चाहते हैं और आप पहले ही सोच लेते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, तो आप क्या गुमान बना रहे हैं? आप इस यूनिवर्स को, अल्लाह की ज़ात को, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप यही मैसेज दे रहे हैं कि नहीं हो सकता. इवन समटाइम हम बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हमें अच्छी नहीं लगती हैं, हमें इरीटेट करती हैं, हम उसको ज़्यादा सोचने लगते हैं. और जैसा जैसा हम जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा रहते हैं, जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी देते हैं, हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में. तो जो चीज़ हमें बुरी लगती है, हम उसको जब जितना उससे इरीटेट होंगे, जितना हम उसको सोचेंगे, उस चीज़ को हम और ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाएंगे. और यहीं से गलतियों का एक लंबा सिलसिला चेन की फॉर्म में हमारे साथ चलता रहता है, और हम सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ समेटते रहते हैं. फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आप लेट ना हो. आप सोचते रहते हैं कि मैं लेट नहीं हूँ, मैं लेट नहीं हूँ, मैं लेट नहीं हूँ, और आप लेट होते हैं. आप हो जाएंगे लेट, बिकॉज आपने लेट होने को इतनी एनर्जी के साथ सोचा है कि आप लेट होंगे. आपने ये नहीं सोचा कि इट्स ओके, मैं लेट हो भी गया हूँ तो मुझे आगे से रास्ता ऐसा मिलेगा कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा. आप ऐसे नहीं सोचते, आप ये वाले गुमा को ज़्यादा स्ट्रांग सोचते हैं. ठीक है, तो अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई ड्रीम बनाते हैं, या आप एक आपके अंदर कोई पोटेंशियल है, आप उस पर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसी चीज़ को क्रिएट कर लेते हैं, ये नहीं होगा, अम्मी नहीं मानेंगी, अबू नहीं मानेंगे, लोग बातें करेंगे, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकती. तो ये सब कुछ जब हमने इतनी एनर्जी के साथ सोचा है, इतनी एनर्जी के साथ गुमान किया है, तो ये होने लगता है, इसने होना है. इस दुनिया में हर चीज़ एक सिस्टम पे चल रही है, और वो सिस्टम आपसे पूछ के नहीं चलता कि ये सही और ये गलत है. उस सिस्टम ने अपने लॉज और रूल्स के मुताबिक ही चलना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट रूल्स एंड लॉज टू मेक आवर लाइफ अ हेवनली लाइफ इन दिस वर्ल्ड. और यही हमें कुरान पाक बताता है कि ये रूल्स और ये लॉज हैं, इन्हें फॉलो करो एंड मेक योर वर्ल्डली लाइफ अ हेवनली लाइफ एंड एन्जॉय इट विद पीस एंड हैप्पीनेस. दैट्स एक्चुअली द रियल पीस एंड हैप्पीनेस. सो बी पॉजिटिव. आप कुछ भी सोचते हैं ना, तो उसको इतनी एनर्जी के साथ सोचें, इतनी एनर्जी के साथ कि येस आई कैन डू दिस. उसमें क्या एनर्जी कि अगर घर वाले मना करेंगे, येस यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस वेरी वेल. आप इन सब चीज़ों को इतनी एनर्जी के साथ सोचें कि आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट खुद दूर हो जाएगी, मुखालफत करने वाले आपके हामी हो जाएंगे. ट्राई इट, बी पॉजिटिव, थैंक यू.